Namaste. Namaste. शायद भारत में जो लोग टीवी पर इस कार्यक्रम को देखते होंगे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। इस सभागृह में आधे लोग भारत से आए हैं, और आधे लोग जिन्होंने भारत देखा भी नहीं है लेकिन भारत को भरपूर प्यार करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में रूसी नागरिक भारत के प्रति अपना प्यार अभिव्यक्त करें, ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और सबसे बड़ा आश्चर्य, रूसी कलाकारों ने, रशियन नागरिकों ने जिस प्रकार से भारत की कला को, भारत की संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को यहां पर प्रस्तुत किया, उजागर किया, मैं सचमुच में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे कार्यक्रम में, ऐसा लग रहा था तो वो पूरी तरह डूब चुके थे, एक एक शब्द के साथ वे जुड़ चुके थे, वे सिर्फ अपने हाथ पैर नहीं हिला रहे थे, वो मन से भारत से मिलन कर चुके थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने सती काजानोवा को सुना, और वो वैदिक मंत्रों का उच्चार कर रही थी, गणेश वंदना कर रही थी, और पूरी तरह भाव विभोर होकर के कर रही थी। और मुझे बताया गया कि वो रशिया की सबसे बड़ी पॉप सिंगर है। जो पॉप सिंगर है वो मंत्रों का इस प्रकार से गान करती हो, और वह भी हाथ में कोई कागज वगैरह लेकर के नहीं, इसका मतलब हुआ कि उसने इसे एक तपस्या के रूप में स्वीकार किया हुआ है। वे ऋषि नागरिक हैं, हिंदू मंत्रों को, हिंदू परंपरा को जीने का भरपूर प्रयास करती हैं, और मुझे बताया गया कि उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है।
मुस्लिम परिवार, रूसी नागरिक, पोप सिंगर और वैदिक मंत्रों का उच्चार। और जब मैं यहां आ रहा था, कुछ लोगों का मेरा परिचय हुआ, तो परिचय उनसे भी हुआ और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी की इच्छा है कि रशिया में एक अच्छा भव्य हिंदू मंदिर बनाना चाहती हूं। मैं सभी रूसी कलाकारों को, उन्होंने ये जो साधना की है और भारत को अपने आप में समेट लिया है, मैं उन सब कलाकारों को फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिंगर सती काजानोवा, आप जिस लगन से गणेश वंदना कर रही हो, मुझे विश्वास है कि आपका सपना पूरा होके ही रहेगा।